देखिए फेस्टिवल होने चाहिए, आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, लोगों को और देखने की ख्वाहिश रहती है, कश्मीर ऐसी जगह है कि सब लोग आना चाहते हैं, तो आई थिंक इस तरीके के अगर प्रोग्राम होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। बिल्कुल होने चाहिए और ज़्यादा और बड़े पैमाने पर होने चाहिए, तो इससे हमारे टूरिज़म को बहुत हेल्प मिलेगी जे एंड के आने के लिए। काइंड राइट, तो जो ब्यूटी है कश्मीर की वो ब्यूटी सारी डिफाइन करती है। इतना अच्छा सा जो भी फेस्टिवल क्रिएट किया गया है और जो ये फंक्शन हो रहा है, आई थिंक कोविड प्रोटोकॉल को लेके सब कुछ ध्यान में रखते हुए इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रमोशन ऑफ टूरिज्म यहाँ। तो आप मानते हैं कि इस तरीके के फेस्टिवल होने चाहिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल होने चाहिए, ये ब्यूटी डिफाइन करती है हमारे देश की, सो ऐसे फेस्टिवल्स ही प्रमोट करते हैं सबको, तो आई थिंक ऐसे फेस्टिवल्स होने ही चाहिए। टूरिज्म का बजट भी हमने बढ़ाया है और नए डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए हम कोशिश करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि और भी अनेक ऐसे नए डेस्टिनेशन हैं जिनको हम डेवलप करेंगे, देश और दुनिया के लोग आएंगे। ट्रैकिंग के लिए 11 स्थानों को हमने खोला है, इस दिशा में अनेक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन एक आग्रह हम करना चाहते हैं, कोविड का जिस तरह से प्रभाव अगल बगल के राज्यों में बढ़ रहा है, यहाँ के लोग सावधानी बरते, प्रशासन पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ उस पर काम करे। और गुप्ता साहब एडमिट हो गए हॉस्पिटल में? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ हो। थैंक यू वेरी मच।